अब हमारी जो तीसरी टेक्निक है या तीसरी प्रक्रिया है, इसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ में एनग्रोस्ड होते हैं या डूबे हुए होते हैं, तो हमारा मन उसी तरफ लग जाता है। वहाँ से निकालने की हम जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही हम फेल होते हैं और माइंड बार बार उसी तरफ चला जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम माइंड से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जब जब हम मन से लड़ेंगे तो हार हमारी ही होगी, क्योंकि वो हमारा ही माइंड है, हमारा ही दिमाग है। तो हमें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी को किसी और तरफ डाइवर्ट कर देना है। इसे कहते हैं अनवाइंडिंग टेक्निक या माइंड को डाइवर्ट करने की टेक्निक। अपने आप को पहचानना होगा, अवेयर करना होगा कि हम कहाँ हैं। तो इसकी पहली शुरुआत है, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाइए, और सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को या अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को सिर्फ देखिए। आपके अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं, जैसे लोग, पेड़ पौधे, पक्षी, दीवारें, गाड़ियाँ, जो भी आपको दिख रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं। उनके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। एक चीज़ पे नज़र पड़ी, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, आप सिर्फ देख रहे हैं। अब आपके आसपास की हर चीज़ों को आपने देख लिया। अब आप कोशिश कीजिए कि आपको कोई खुशबू आ रही है, कोई स्मेल आपको आ रही है। किस किस प्रकार की स्मेल वहाँ पर है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है या सूंघना है कि किस प्रकार की स्मेल वहाँ पर है। अब उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप किस तापमान में हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वो जानने की कोशिश कीजिए। आपके शरीर से महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्या बहुत गर्मी है, क्या बहुत ठंडी है, ह्यूमिडिटी, उमस है, क्या हवा चल रही है या कोई हवा नहीं चल रही, कुछ है जो आपके शरीर से छू कर निकल रहा है, धूप है। सिर्फ महसूस, उसके बारे में आपको सोचना बिल्कुल नहीं है। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए कि वहां पर क्या क्या आवाजें आपको आ रही हैं। बहुत प्रकार की आवाजें हमारे आसपास आ रही होती हैं, लेकिन कभी हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। पंछियों की आवाज, गाड़ियों की आवाज, लोगों के बात करने की आवाज, कोई काम कर रहा है उसकी ठक ठक, हर प्रकार की आवाजें हमारे आसपास आ रही होती है। आंख बंद कर हर एक आवाज पे ध्यान दीजिए, उसके बारे में आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ वो आवाज सुननी है और देखिए कि आप वो सुन पाते हैं अलग अलग आवाजों को। अब आपको फिर से अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। देखिए किस तरह से आपकी सांसें अंदर आ रही हैं और किस तरह आपकी सांसें बाहर जा रही हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे आपको ध्यान देना है, और देखिए किस तरह से इस पूरे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे कई सारी चीज़ें आपने देखी, स्मेल आपने की, महसूस आपने की, आपको सुनाई दी, इन सब के बीच में आप हैं,
इन सब चीजों के बीच में आप हैं और आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन इस किसी भी चीज का अब आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, इसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा। अब कौन बोल रहा है, कौन है, क्या स्मेल है, उसका आपके शरीर पे क्या तापमान है, क्या असर हो रहा है, उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप केवल ध्यान दे रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये प्रक्रिया करके आप अपने मन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। और अगर उस वक्त आप किसी परेशानी में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, या आप सोना चाहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपका मन जो है विचलित हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इस टेक्निक से आप काफ़ी हद तक अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ध्यान की तीन बेसिक विधि या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। आने वाले दिनों में हम ऐसे कई और प्रयोग करेंगे